क्वेश्चन 2008 में आया है। एक रिलेशन दिया है, उसकी ये डिपेंडेंसी दी है और उस रिलेशन को डिकम्पोज किया है इन्होंने ए बी बी सी और बी डी में। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस जॉइन है या नहीं, या डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इस रिलेशन को खुद ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, आर वन और आर टू में। आर वन के एट्रीब्यूट होंगे ए बी जो हमने मैच करा लिए इस फर्स्ट रिलेशन से, और आर टू के एट्रीब्यूट्स हो गए बी सी और डी। अब डिकम्पोजिशन जो हमारा लॉसलेस है या नहीं वो पता करने के लिए एक उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आपका डिकम्पोज रिलेशंस हैं उनमें से पहले कॉमन एट्रीब्यूट निकालो। तो यहाँ पर हमारा बी एक कॉमन एट्रीब्यूट है जो जो कि फंक्शनली डिटरमाइन करना चाहिए आर वन को या फिर आर टू को। तो चेक कर लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी से, आर टू को चेक करते हैं। तो आर क्या बी सी को डिटरमाइन करता है, तो करता है, और बी क्या डी को फंक्शनली डिटरमाइन करता है, बी सी को डिटरमाइन करता है, सी डी को मतलब बी डी को भी करता है। तो हम कह सकते हैं बी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है आर टू को। तो ये हमारा जो डिकम्पोजिशन है ये वाला वो लॉसलेस है। तो अब इसे फिर दोबारा से तोड़ दिए तो हमारा मैच कर गया। अब इसे फिर से हम तोड़ते हैं आर थ्री जिसके एट्रीब्यूट हम देते हैं बी और सी, ये हमने मैच करा दिए बी सी से, और आर फोर जिसके एट्रीब्यूट हम देते हैं बी और डी। अब इनके जो कॉमन एट्रीब्यूट है आर थ्री और आर फोर में वो है बी, और फंक्शनल डिपेंडेंसी से अगर चेक करें तो बी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है आर थ्री को, आर फोर को भी कर रहा है इसे, बी फंक्शनली बी वे हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी डिटरमाइन सी, तो ये आर थ्री को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, ये भी आपका लॉसलेस हो गया। तो तीनों आपके डिकम्पोजिशन अगर हम देखें तो ये तीनों डिकम्पोजिशन ए बी बी सी बी डी ये आपके लॉसलेस हैं। अब चेक करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है नहीं, तो ए बी को, तो ए बी यहाँ प्रिजर्व करती है, बी सी आपकी यहाँ प्रिजर्व करती है, सी डी, सी डी को अगर देखें तो हमें पता है हम इसके थ्रू प्रिजर्व करा सकते हैं।